Let's see how the solution look like, because we have already discussed the question thoroughly. Now let's see how the consolidated balance sheet will be prepared. Delimited and its associated subsidiaries. So पहले balance sheet को नहीं देखेंगे, बल्कि इससे पहले आगे जाकर हम देखेंगे working क्या है. ये देख working. Number one, goodwill. Investment in D, investment in T. Total, क्योंकि इसमें वो vertical structure नहीं है. और 100% शेयर आपने लिए हैं डी के और 2/3 शेयर लिए हैं आपने टी के, तो उसी हिसाब से आपने शेयर कैपिटल ले लिया. और फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डी का और टी का. और ये फिगर तो क्लियर है इन द सेंस कि डी को तो आपने 100% एक्वायर किया, तो जो प्रॉफिट आपका अवेलेबल है 1 जनवरी 2020 को, वो पूरे का पूरा प्री. सिमिलरली प्री एक्विजिशन डी का जो है, सॉरी टी का जो है, वो भी आपने 2/3 ही लेना है, और जो प्रॉफिट अवेलेबल है 1 जनवरी 2020 को, क्योंकि क्लियरली बता दिया ना कि इस डेट को लिया तो उस डेट का जो प्रॉफिट है वो आपका फ्री है. तो टोटल 50 में से आप माइनस कर दें 40, तो आपकी गुडविल आ गई 10,000.